Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to learn how to use alpha inside ZBrush. So आज हम सीखने वाले हैं कि ZBrush में alpha कैसे use करें। तो उससे पहले मुझे एक बात बोलना है, अगर हमारे मेरे फील्ड में कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या क्या वीडियो बनाना है नेक्स्ट, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो थैंक यू, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अल्फा बनाने के लिए मुझे एक मॉडल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करता हूँ, एक क्यूब क्रिएट करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ और नेक्स्ट रेडी। तो इसको मैं सब डिवाइडेड करता हूँ, कंट्रोल डी करोगे तो ये इसका डिवीजन बढ़ जाएगा। ये सब डिवीजन हो गया, ये हमारा क्यूब, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका मटेरियल चेंज करेंगे। हाँ, तो इससे पहले फिर मैं बताना चाहता हूँ कि अल्फा क्या होता है यूज करने से पहले। तो अल्फा एक इमेज होता है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ओपन किया था। अल्फा एक ग्रे स्केल का इमेज होता है, जो बैकग्राउंड होगा वो आपका ब्लैक होगा और जो इमेजेस होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो कंटेंट होगा वो एक ग्रे स्केल में होगा। लाइक ग्रे से डीप ग्रे, फिर धीरे धीरे डीप ग्रे, फिर जो एंड पॉइंट होगा वो व्हाइट होगा। तो तभी जाके ये काम करेगा एज ए अल्फा। सो इसको बोला जाता है अल्फा, जो भी ग्रे स्केल का इमेजेस। सो देखते हैं, यहाँ पे आप अगर ZBrush पे आओगे, ZBrush पे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा ऑफ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ZBrush बाय डिफॉल्ट कुछ अल्फा देता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट अल्फा फ्लावर्स ये है और ज्योमेट्री डिजाइन है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो वो यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश है ही, हम यहाँ पे स्ट्रोक चेंज करेंगे। ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए होता है। ये स्ट्रोक कलर के लिए होता है, ये स्ट्रोक ऑल्सो स्कल्पिंग के लिए भी होता है। तो हम अभी के लिए ड्रैग बना लेंगे और यहाँ पे अल्फा यूज करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने अल्फा यूज किया है, अल्फा 0.5। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिमेट्री भी ऑन कर दूंगा। कुछ सिमेट्री ऑन होने के बाद यहाँ दो साइड में हो रहा है, नहीं सिमेट्री बंद कर देते तो हमें एक साइड पे देखेंगे कैसे करना। तो मैं ब्रश को बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल सॉरी स्पेस बार दबाइए, यहाँ पे ब्रश बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, देखते हो कैसा आ रहा है। देखिए ये जो इमेजेस है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे स्पंक्ट होके अल्फा एक डिजाइन बन गया। आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यही करके आप ये कर सकते हो। इसको अगर आप ज्यादा स्मूथ करोगे ये मॉडल, कंट्रोल डी, तो आपका जितना भी सब डिवाइडेड होगा उतना अच्छा आएगा और अल्फा का क्लैरिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो इमेज का क्लैरिटी जितना अच्छा होगा उतना क्वालिटी भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे आपका सब डिविजन अगर हाई लेवल पे है, 7 पे है, फिर भी ये क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन कम है इमेज का। सो और एक डिफरेंट इमेज लेते हैं, कौन सा इमेज ले, ये वाला अल्फा 19 समथिंग। सो ये ड्रैग करते हैं, देखिए इसका भी क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं है। और एक बात, एक बार इंटेंसिटी बढ़ा के देखो, आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे समथिंग 70 समथिंग रखोगे वो ये देखते। हाँ, इंटेंसिटी से क्या होता है, इसका क्लैरिटी अच्छा आता है और आपका जो भी इंटेंसिटी है वो हाई डेप्थ में काम करता है।
ये अगर मैं इंटेंसिटी कम रखता हूँ तो यहाँ पे भी दिखाता हूँ, इंटेंसिटी कम करके देखिए इसका और इसका जो डेप्थ है, हाइट है, जो हाइट है इसका बहुत कम है, इसका ज्यादा है। अगर आपको ऐसा कुछ कहीं पे जरूरी होता है कि आपको ऐसा बहुत ही ज्यादा ह्यूज आकार से चाहिए, आपको बाहर करके आपको अल्फा डिजाइन करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ऐसे जस्ट दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ये इंटेंसिटी कंट्रोल करके आप कर सकते हो। ये तो हो गया आप बाहर लाइक जी आर का भी कर लिया, जी सब करके देखते हैं इस साल का, तो ऑल प्रेस कीजिए फिर इसको जी सब को भी आप कर सकते हो इस साल का। मैं एक बार इंटेंसिटी बढ़ा के करता हूँ यहाँ पे, ओके ये भी एक डिफरेंट तरीके से लाइक वो आउट, ये इनसाइड हो गया, वो आउटसाइड हो गया, तो ये होता है अल्फा। आपको गूगल पे बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे ऐसे, आप इनको भी सेव करके सेव कर लीजिए। यहाँ आके आप ऐसे आपका इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट बटन, यहाँ पे क्लिक कीजिए इंपोर्ट, फिर लोकेशन कहाँ पे दिए हैं कंटेनर की सब कंटेनर की, ये हो गया अल्फा। देखिए ये अल्फा भी मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो ये जो अल्फा है तो ये भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ट्रैक ये भी आप यहाँ का देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो भी नॉइजी है, ये इमेज अच्छा नहीं है, इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए ये नॉइजी आ रहा है और रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, तो ये चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी इसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं, इसको हम स्मूथ भी करेंगे, स्मूथ करने के बाद ऐसा कुछ दिख जाएगा, हमारे जी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगर इसका इंटेंसिटी कम करते हैं, देखिए अगर इंटेंसिटी कम करते हैं, हाँ इसका इंटेंसिटी से बहुत अच्छा, कम से बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन नहीं दिया रहा है, स्मूथ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अल्फा यूज कर सकते हो, मैं फिर स्किन टेक्सचर हो गया, स्किन डिटेलिंग हो गया, जो डिटेल हम बनाने में टाइम लगता है वो भी आप इजीली अल्फा डाउनलोड करके आप इसमें यूज करके मॉडल को कंप्लीट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।